भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर से तैयार है। वर्ल्ड कप के फाइनल में हार का दर्द भुलाकर अब T20 में ऑस्ट्रेलिया को धोने की तैयारी कर चुकी है। जी हाँ, T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की होने वाली सीरीज का पहला मैच 23 नवंबर को यानी कि आज खेला जाएगा। इस बार BCCI ने पूरी जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया टीम की उसको मौका दिया है। सीनियर सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के साथ आराम दिया गया है। टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। तो वहीं यदि प्लेइंग 11 की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में मौका दिया जा सकता है। तो वहीं अगर ऑलराउंडर की बात की जाए तो अक्षर पटेल को यहां पर मौका मिल सकता है। इसके साथ ही रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और आवेश खान को टीम में जगह मिल सकती है। भारतीय टीम जहां युवा है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में अनुभव और युवाओं का एक अच्छा मिश्रण है। स्टीव स्मिथ इस टीम में मौजूद हैं। इसके साथ ही ट्रेवियस हेड, जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार शतक लगाते हुए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के हाथों से छीनी थी, वो इस टीम में मौजूद हैं। ग्लेन मैक्सवेल हैं, जॉन इंग्लिश हैं, मार्कस स्टोइनिस हैं, एडम जेम्पा है, यानी कि अनुभव का बहुत ही शानदार जो मिश्रण है वह ऑस्ट्रेलिया की टीम में। ऑस्ट्रेलिया की टीम की कप्तानी की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तानी मैथ्यू बेड को सौंपी गई है। मैथ्यू बेड हालांकि अनुभवी खिलाड़ी हैं लेकिन वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे। तो ऐसे में 5 मैचों की T20 सीरीज को लेकर भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है। 2023 का कप भारत के हाथों से फिसल चुका है, तो वहीं अब 2024 के T20 वर्ल्ड कप को अपने घर में लाने के लिए भारतीय जो टीम है वो अब नए प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ है उनको भी अब परखने का जो समय है वह आ चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला ये युवा भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से कैसे लेती है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।